कॉमेडी किंग कपिल शर्मा नू उन्हां दी क्वीन मिल चुकी है ते व्याह दे कार्ड भी छप चुके ने। 12 दिसंबर नू है कपिल शर्मा दा व्याह। वेल फिल्म इंडस्ट्री च वेडिंग सीजन चल रहा है। दीपिका रणवीर हजे तक सुर्खियां दे विच छाए होए ने अपने व्याह नू लेके। दीपवीर तो बाद देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी शाही अंदाज दे नाल व्याह करन जा रही है। लेकिन हुण एक होर जोड़े उते सब दियां नजरां टिकियां होईयां ने। जी हाँ, ते ओ ने स्टैंड अप कमेडियन कपिल शर्मा। 12 दिसंबर नू कॉमेडी दा किंग कपिल शर्मा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी दे नाल व्याह करन जा रहा है। वैसे तो कपिल दे व्याह दी खबर काफी समय तो आ रही सी, पर कपिल ने हमेशा ही इस दे उते चुप्पी बनाई रखी ते हुण फाइनली कपिल शर्मा ने व्याह दा ऐलान कर दिता है। कपिल ने अपने ट्विटर हैंडल ते अपने व्याह दे कार्ड नू पोस्ट कीता ते लिखिया नीड योर ब्लेसिंग। दस दईए कि 12 दिसंबर नू जलंधर दे विच कपिल शर्मा ते गिनी दा व्याह होवेगा। 10 दिसंबर तो कपिल दे व्याह दीआं रस्मां शुरू हो जाणगीआं। 10 दिसंबर नू कपिल दी भैण दे घर भगवती जागरण है। 11 दिसंबर नू जलंधर च गिनी दे घर मेहंदी ते संगीत है। कपिल ते गिन्नी ने हमेशा ही अपना रिश्ता प्राइवेट रखा है ते दोवे कदे भी मीडिया दे सामने खुल के नहीं आए, पर हुन लगदा है कि कपिल एक खुशी सारे नाल सांझी करना चाहुंदे ने। ऐसे करके दा ट्विटर ते उन्होंने अपने व्याह दा कार्ड पोस्ट कर दिता। वैसे कपिल ते गिन्नी दी लव स्टोरी भी किसी फिल्म दी कहानी तो घट नहीं है। दस दईए कि जदों कपिल गिनी दे घर मैरिज दा प्रपोजल लेके गए सी तां गिनी दे पापा ने कपिल दा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिता सी। साडी इस खास रिपोर्ट च असीं हुण अग्गे तुहानूं दसांगे कपिल ते गिनी दी खास लव स्टोरी। कपिल शर्मा ने HMV कॉलेज जलंधर तो पढ़ाई कीती है। वो स्कॉलरशिप होल्डर भी सी ते थिएटर दा नेशनल विनर भी। गल 2005 दी है जद APJ कॉलेज विच पढ़दा कपिल पॉकेट मनी लई प्ले डायरेक्ट करदा सी। स्टूडेंट्स दे ऑडिशन लै लई ओ गिनी दे कॉलेज गया सी। गिनी भी ऑडिशन देन आई ते ए सी कपिल ते गिनी दी पहली मुलाकात। उस वेले गिनी 19 सालां दी सी ते कपिल 24 साल दा। कुड़ियां दे ऑडिशन दे दौरान कपिल गिनी तो काफी इंप्रेस होया सी। रिहर्सल शुरू होने दौरान गिन्नी कपिल लई खाना लेके आन लग पई सी। कपिल नूं लगदा सी कि ओ इस करके खाना लेके आउंदी है क्योंकि ओ कपिल दी रिस्पेक्ट करदी है, पर गिन्नी दे मन दे विच कुछ होर ही चल रहा सी। कपिल नूं देखदे ही गिन्नी उन्हां नूं लाइक करन लग गई सी। इस करके ओ कपिल लई रोज खाना लेके आउंदी सी। कपिल दे दोस्त ने एक बारी कपिल नूं दस्या कि गिन्नी तैनूं लाइक करदी है ते इस गल दा कपिल ने बिल्कुल यकीन नहीं कीता। ते एक बारी कपिल शर्मा ने गिन्नी तो सामने ही पूछ लिया कि की तू मैनूं प्यार करदी है ते जवाब दे विच आया हां। गिन्नी ने कपिल शर्मा नूं बहुत ही छोटी उम्र तो काम करदे हुए देखिया सी ते उन्हां विच काफी चंगी ट्यूनिंग भी बैठ गई सी। ते उस तो बाद कपिल मुंबई दे विच ऑडिशन देने लई आ गया, लेकिन ओ रिजेक्ट हो गया। ते ऐसे दौरान कपिल शर्मा ने फोन करके गिन्नी नू ए कह दिता कि मैनू अज तो बाद फोन ना करी, इस दोस्ती दा कोई फ्यूचर नहीं है। कपिल दे मन दे विच गिन्नी नू लेके कई सवाल सी क्योंकि गिन्नी एक अमीर घर तो बिलोंग करदी है, लेकिन कपिल दी फाइनेंशियल हालत उस वेले बिल्कुल भी ठीक नहीं सी। लेकिन उस तो बाद कपिल दा समा बदलिया ते एक ऑडिशन दे विच कपिल सिलेक्ट हो गया ते इस तो बाद गिन्नी ने उस नूं फोन करके वधाई दित्ती। जब कपिल ने कमाना शुरू कीता तां उस वेले कपिल दी मम्मी प्रपोजल लेके गिन्नी दे पापा कोल गई, लेकिन उन्हां ने साफ मना कर दिता। फिर कपिल मुंबई दे विच अपने काम विच काफी बिजी हो गए। उथे सेटल होने तो बाद कपिल दी लाइफ काफी बदल गई क्योंकि कपिल नू काफी शोहरत मिल गई सी। हर पासे कपिल दा नाम गूंजन लग गया सी ते ऐसे चकाचौंध ते शानो शौकत दे विच कपिल बिल्कुल भुल गए कि उन्हां दी पिछली जिंदगी दे विच की कुछ होया सी। लेकिन कहंदे ने ना कि जिंदगी दे विच उताव चढ़ाव तां आउंदे ही रहंदे ने। ते इस बार कपिल दे करियर दे विच आ गया सी बहुत वड्डा डाउनफॉल। जद कपिल दी टीम हो गई सी कपिल तदूर ते उन्हां दा शो भी फ्लॉप हो गया सी।
ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਪਿਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਪਿਲ ਦੇ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੰਨੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਲਈ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਪਿਲ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ।